हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और अभी मैं जस्ट नहा के भी आई हूँ और अभी पूजा मैंने नहीं किया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आज ना सैटरडे है और पैर में आलता भी लगा लेती हूँ। वैसे हो नहीं पाता है, तो कहते हैं लोग ना कि सैटरडे को मतलब सैटरडे को पैर में आलता लगाना अच्छा होता है। तो मम्मी मेरी आई थी, वो भी बता रही थी, तो मैं मतलब नहीं लगा पाती हूँ। तो वैसे सावन है और मतलब सावन है, त्यौहार भी चल रहा है, तो याद आया तो मैंने सोचा चलो, और कोशिश करती हूँ कभी कभी अगर याद आ जाता है ना तो मैं सैटरडे को लगा लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी ना भूल जाता है, ध्यान ही नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं आलता लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। और ये ना जो डब्बे में आता है इसमें फॉर्म रहता है, तो इसी से मैं लगा लेती हूँ और अच्छे से लग भी जाता है। और नहीं तो जब ये नहीं होता है ना तो फिर लकड़ी से मैं लगाती हूँ, जिसे अगर ये निकल जाता है तो फिर कटोरी में निकाल के और लकड़ी से भी लगा लेती हूँ, लकड़ी से भी अच्छे से लग जाता है। लकड़ी में जैसे ना कपड़े लपेट के, बहुत तो लगाते भी हैं ऐसे। और उसके बाद से फिर आलता आलता लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे तुलसी माता के पास पूजा करने के लिए। तो ये वीडियो ना मेरी बेटी बना रही थी, तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ही मतलब हिल भी गया है। तो यहाँ का कभी मतलब मैं आप लोग के नहीं दिखा पाती हूँ तुलसी माता के पास जब मैं पूजा करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज यहीं से शुरुआत करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी। और यहाँ पे ना जब मैं जल चढ़ा रही थी तो बाबू पीछे से ना परेशान भी कर रहा था, खींच रहा था मुझे, तो वही इसको हटा रही थी बहुत बदमाश है। जैसे ये होता है ना कि मतलब बोलती हूँ कि अगर पूजा उजा करो तो फिर नहीं कुछ किए बोला जाता है, लेकिन ना वो मानता नहीं है, एकदम से परेशान कर दिया था कि मम्मा मुझे भी पूजा करना है। और उसके बाद से वहाँ पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मंदिर में, तो यहाँ भी पूजा कर लेती हूँ। और अभी बोली हूँ ना तो कुछ देर के लिए शांत, ये लोग बैठे हैं तो टीवी अपना देख रहे हैं, और उसके बाद से ना टीवी वाले रूम में भी कुछ फ़ोटोज़ मैं हम लोगों ने लगा रखी है, तो वहाँ भी मतलब अगरबत्ती दिखा देती हूँ। और जो भी छोटे मतलब थोड़ा बहुत जो भी पूजा होता है, जो भी मुझे आता है, बहुत अच्छे से तो नहीं कहूँगी लेकिन जो जितना भी आता है, जो भी आता है तो कर लेती हूँ, अगर सुबह जैसे नहाती हूँ तो। और वैसे मतलब सुबह नहा ही लेती हूँ तो मैं पूजा भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे है 10:30 हो रहा है और पूजा देखिए मैंने कर लिया है, सिंपल सा जो भी होता है डेली का तो मैंने कर लिया, और जब काम होता है ना तभी नहीं हो पाता है, देर से नहा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट मैं पूजा करके आ रही हूँ और चल रही हूँ, अब नाश्ता करूँगी। और काम सारा हो गया है सुबह का, कपड़े भी धुल गए हैं, तो अभी लास्ट बचा था इनका कपड़ा था तो वही बहन ने भी धुल लेती, हो गया है अब फैला देंगी, सारा काम हो गया है। और बच्चे भी आज घर पे ही हैं क्योंकि यहाँ इनके यहाँ स्कूल में आज मीटिंग थी, टीचर्स मीटिंग, तो ये लोग नहीं गए हैं, 1 घंटे के लिए सिर्फ बुलाए थे लोग, तो फिर नहीं गए ये लोग, तो इस वजह से घर पे ही हैं। और अभी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बहुत शोर कर रहे हैं, मैं दरवाज़ा बंद करके तब आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो चलिए चलती हूँ, मैं भी नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ और अभी 10:30 हो गए हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो चलिए बाय, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और आगे भी वीडियो में आप लोग के साथ अच्छी अच्छी शेयर करती रहूँगी। तो चलिए, और आज है सैटरडे तो चलिए कर लेती हूँ नाश्ता और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोग की वीडियो भी वॉच करनी है, तो चलिए बाय। और उसके बाद से ना आप लोगों से बातें करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, तो अब मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ और थोड़ी सी बनाऊँगी चाय काली वाली, तो अपने लिए और बहन है मेरी उसके लिए, दोनों के लिए। और रात की ना रात को मैंने आलू और परवल की सब्जी बनाई हुई थी तो वो बची हुई है थोड़ी सी, और जो कल ना बैंगन का भरवा मैंने बनाया हुआ था तो वो भी है, तो यही हो जाएगा। और देखूंगी दिन में कोई सब्जी मतलब बनाना होगा तो फिर बनाऊंगी, हम ही दोनों के बच्चे तो खाएंगे नहीं, हम ही दो लोग हैं, तो यहाँ पे चाय भी बना लूँगी और उसके बाद से इन लोगों को दूध भी दे दूँगी, क्योंकि ना दूध इस समय ये लोग पी ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और उसकी वजह से बोर्नवीटा होता है तो दे देती हूँ डाल के, तो पी लेते हैं सब, इस समय नहीं है, जब गई थी तो इन लोग को बोर्नवीटा नहीं चाहिए था, ले रही थी तो फिर मना कर दिए, और वो जो चोकोस होता है तो वो लोग तो मतलब खा के, जब मतलब ये होता है ना कि सुबह में कुछ खाने के बाद बच्चों को 1 गिलास दूध दे दो तो सही रहता है, और सादा दूध ना बाबू पी लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये रहता है तो, लेकिन चोकोस इन लोग को ज़्यादा पसंद है, तो वही लेके इस बार आई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है इस बार नहीं, फिर अगली बार इन लोग के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि ना ये रहता है बोर्नवीटा रहता है हॉर्लिक्स मतलब जो भी, तो सुबह में दे दीजिए फिर रात को भी, और सादा दूध मतलब पीने के लिए पी लेते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं दे दूँगी इन लोगों को दूध और मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ साथ में। और उसके बाद से नाश्ता वास्ता करने के बाद ये मतलब बाद का दोपहर ऊपर का क्लिप है, 12:30 हो रहे होंगे,
तो दूध भी आ गया था, तो दूध को मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ और इसको ना उबालूंगी बहुत देर तक। इसका मैं रबड़ी बनाऊंगी और उससे कुछ बनाना है मुझे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगी बाद में। और ये रहा अचार, तो ये ना जहाँ मैं पहले रहती थी, तो इसके पहले तो वो आंटी हैं तो वही लेके आई थी, और हर साल मतलब लेके आती हैं, भिजवाती हैं मेरे लिए इतना। और अभी ना ये 2 दिन पहले ही लेके आई थी और जाते जाते रहता है। तो ये था आम का अचार था, ये जो जार है ना इसमें पूरा भर गया था, 1 किलो से ज़्यादा का ही है ये, तो इसमें पूरा भर गया था एकदम से। और फिर ना ऐसे पूरा भर गया था तो फिर डब्बे को हिला के रखिए ना तो फिर आ जाता है ज़्यादा, तो ऐसे करके मैंने रखा था इसमें। और अचार वाला जो मिर्चा होता है भरा मिर्चा वो भी था, और इसके पिछले साल भी दी थी तो इसी में ना पूरा जार भरा हुआ था। तो अभी थोड़ा सा है तो इसको खाली करके मैंने धुल दिया था कि इसी में रख दूंगी ये वाला। और इनका अचार ना मुझे बहुत ही अच्छा भी लगता है। और ये रहा अचार वाली मिर्चा, तो अचार का मिर्चा तो मेरे पास है, मम्मी भी गाँव से मेरी भेज देती हैं, तो वही मतलब ये गए थे हम लोग तो लेके आए थे, तो इसको दोनों एक ही जैसे था तो मैंने सोचा ना कि चलो एक ही में रख देती हूँ, लेकिन फिर ना दोनों का स्वाद थोड़ा अलग था। तो जो आंटी दी थी वो थोड़ा तीखा कम था और मम्मी ने जो भरा था वो थोड़ा मतलब तीखा था, तो इस वजह से फिर मैंने एक में नहीं मिलाया, अलग अलग ही रहने दिया है। और दोनों ही नए हैं अचार के मिर्चे, तो मम्मी भी मेरी पढ़ती हैं तो भेज देती हैं जब भी होता है। और अचार ये आम का अचार आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसे इनका रहता है अचार, मतलब लास्ट तक ख़त्म होगा तब भी 1 साल रख दीजिए। तो ऐसे वाला अचार मुझे बहुत पसंद है, इसका स्वाद ना जो मार्केट वाली अचार आती है उसी के जैसा लगता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद से इसको मैं लाके किचन में ही रख दी हूँ, और ये छोटे जार में जो है तो ये पिछले साल का इतना सा बचा था थोड़ा सा, तो बड़े जार को ना खाली करके इसमें रख दी हूँ और धुल के फिर आज वाला जो अचार है इसी में रख देती हूँ। और सच में ना बहुत ही टेस्टी लगता है, तो जो उनको पता था ना कि मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए हर साल जब भी बनाती हैं तो मतलब लेके आती हैं मेरे लिए। और पिछले साल कटहल का भी लेके आई थी, और ये दूध ना भगोने में पकड़ लिया था तो इसलिए मैंने इसमें रख दिया। जब देर तक उबालिए ना गाढ़ा होने लगता है, तो भगोने में स्टील का है ना तो पकड़ लेता है। और यहाँ पे होने लगी थी बारिश अचानक से, तो फिर बाहर के जितने भी कपड़े फैलाए गए थे लाके मैं कमरे में बेड पे मतलब फैला दिए हम लोग, और फैन चला दूंगी तो ये सूख भी जाएंगे, क्योंकि दिन भर ना कुछ ना कुछ मतलब थोड़े थोड़े रुक के बारिश हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। और उसके बाद से फिर मैं आ गई हूँ किचन में, तो आज दिन भर ना सिर्फ मतलब खड़े खड़े मतलब पूरा दिन निकल गया है, बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिला, कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है। नाश्ता करने के बाद थोड़े बहुत और काम थे, कपड़े जिसे फैले थे तो बच्चे हैं तो इधर उधर कर ही देते हैं, तो उसको भी समेटना था सही करना था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बनाने के लिए, तो मैं बनाऊंगी शाही टुकड़ा। तो इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है, लेकिन आज भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं ब्रेड से नहीं बना रही हूँ, और जो भी मैंने इसके पहले बनाया था वो भी ब्रेड का नहीं था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, तो उसको ना ठंडे दूध में उसको घोल ली हूँ, और ज़्यादा नहीं 1 चम्मच था, तो थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ तो जल्दी से दूध भी गाढ़ा हो जाता है। और चाहे तो आप मतलब कस्टर्ड पाउडर के बिना भी दूध को मतलब रबड़ी जैसे बना सकते हैं उबाल के गाढ़ा करके, लेकिन मैं थोड़ा सा डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि मतलब कस्टर्ड पाउडर का स्वाद भी ना आए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये धूप हो गया था और रबड़ी मेरी बन गई थी, तो उसको मैंने उतार के और रख दिया किनारे। और अब यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई, तो इसमें मैं ले लूँगी 1/2 लीटर के करीब पानी, और उतना ही चीनी भी मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसकी जो चाशनी होती है ना, तो मैं एकदम मतलब मोटा नहीं बनाती हूँ गाढ़ा, जिसे एकदम तार वाली, एक तार वाली, दो तार वाली, तो ऐसी वाली चाशनी नहीं रहती है, थोड़ा गाढ़ा रहेगा चिपचिपा, क्योंकि टोस्ट का मैं बनाती हूँ तो उसको मैं तलती नहीं हूँ, डायरेक्ट मतलब सीरे में डाल देती हूँ, तो जिसे ना अच्छे से मतलब सीरा जिसे उसमें मिल नहीं पाता है, तो इस वजह से थोड़ा पतला ही रखती हूँ, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं ब्रेड का इसलिए नहीं बनाती ना कि ब्रेड को तलिए तो उसमें तेल बहुत मतलब सोखता है, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ, तेल बहुत उसमें मिल जाता है, तो इसलिए मैं ब्रेड का नहीं बनाती हूँ, टोस्ट का ही ऐसे बनाती हूँ। तो ये भी अच्छा लगता है बच्चों को मेरे, और इनको भी बहुत पसंद आता है। तो ब्रेड पर टोस्ट था लाए थे हम लोग 2 पैकेट, तो ये बहुत दिनों से कर रहे थे, इनको बहुत पसंद आता है, बना दो, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से ना इसमें मतलब सीरा अंदर तक घुस गया है, तो इसको निकाल लूँगी जिस डब्बे में मुझे रखना है बनाना है, तो इसी डब्बे में मैं निकालूंगी एक एक करके। तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 4 नीचे आएगा, इसमें छोटा डब्बा है, लंच बॉक्स है बच्चों का, और एक बार मैंने रख दिया है, और उसके ऊपर से जो भी रबड़ी मैंने बनाई थी उसको अब इसमें डाल दूंगी ऊपर से,
तो एक परत ऊपर से ऐसे डाल दूंगी अच्छे से, और ज़्यादा ही है रबड़ी, कम नहीं है। तो दो डब्बे में मैंने बनाया था, और फिर इसके ऊपर से ये जो टोस्ट है सीरा वाला, तो इसको फिर एक लाइन और इसमें ऊपर से एक लेयर और रखूंगी, और फिर इसके ऊपर से मैं रबड़ी को डाल देती हूँ अच्छे से। तो ये हो गया, और फिर एक डब्बे में और मैं करके रखी थी, तो बच्चों को ना बहुत ही अच्छा लगता है, और खाए भी थे दोनों, मतलब दोनों बच्चों को। और यहाँ देख सकते हैं, फिर दूसरे वाले डब्बे में भी मैंने नीचे एक लेयर रखा था, उसके ऊपर से रबड़ी डाल दी थी, और फिर ये दूसरा वाला लेयर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और थोड़ा सा सीरा बच गया था। तो लास्ट में ना सीरा ना एकदम से गाढ़ा हो जाता है जब ठंडा होता है तो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो इतना मैंने बना, जब भी बनाती हूँ कोई भी चीज़ ऐसी वाली चाहे कुछ भी हो, तो मेरे यहाँ ज़रा ज़्यादा ही बनता है, और ज़्यादा मैं बनाती भी हूँ। तो यहाँ पे अब क्या करूँगी, जो भी है ऊपर से मैं डाल दूँगी, और इसको आप, मतलब आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो उससे उसको इसके ऊपर से डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ बादाम था, तो उसको मैं यहाँ पे ऊपर से डाल देती हूँ, और सच में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले मैं नहीं बनाती थी, और अब ना जिसे अब एक दो बार बनाई तो बहुत पसंद आए लोगों को, तो तब से मैं हमेशा बनाती हूँ। और दो तीन बार आप लोग के साथ, ये तीसरी बार शायद है आप लोग के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, और देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार है। और इसको अब मैं रख दूँगी फ्रीज में, और चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ठंडा ठंडा और अच्छा लगता है। तो बताइएगा कैसी बनी है। और उसके बाद से यहाँ पे ना काम करते करते 3:30 हो गए थे, काम कोई नहीं रहता लेकिन कुछ ना कुछ करो तो टाइम हो ही जाता है। और मौसम भी देख सकते हैं, बारिश आके धूप हो गया था बाद में, और फिर से मौसम अचानक से एकदम से ख़राब हो गया, तो नीचे की ज़मीन भी देख सकते हैं एकदम सूख गई है, और मौसम फिर एकदम से बादल ना अंधेरा सा हो गया था। तो बस यही थी आज की मेरी वीडियो, और कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो भी मेरी वीडियो में कमी है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसको सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।